नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। सीएमएस पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। जिला महिला अस्पताल में फैली अव्यवस्थाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी गेट पर प्रसव तो कभी मरीज को उपचार न मिलना, अब यह आम बात हो चली है। अब भाकियो आरा टिकैत ग्रुप के जिला अध्यक्ष ने जिला महिला अस्पताल सीएमएस एक महिला चिकित्सक पर गर्भवती महिला का प्रसव कराने के एवज में रुपए ऐंठने का आरोप लगाया है। सोमवार को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सीएमएस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी भेजा है। भाकियू अरा टिकैत ग्रुप के जिलाध्यक्ष किरण सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं की जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। भ्रष्टाचार में संलिप्त जिला महिला अस्पताल सीएमएस पर कार्रवाई करने के लिए भाकियू अरा टिकैत ग्रुप अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया कि नवाबगंज निवासी अंकित की गर्भवती पत्नी शिवांगी को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया था। ऑपरेशन के बाद सुविधा शुल्क के नाम पर डॉक्टर रेणु गंगवार ने मरीज से 3,000 रुपये जमा करने को कहा। मरीज ने रुपए लेने का कारण पूछा तो डॉक्टर रेणु ने सीएमएस डॉक्टर फौजिया अंजुम के निर्देश पर रुपए लेने की जानकारी दी। 26 अगस्त को वह अपनी बहू को लेकर जिला अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर मौजूद नहीं थी। इस पर यहां मौजूद आया मेरा ने बच्चे को इंजेक्शन लगा दिया, इसके बाद बहू की हालत बिगड़ गई। इसके साथ ही जिला पुरुष अस्पताल के स्त्री रोग विभाग में तैनात डॉक्टर तुषार उपचार के एवज में रुपए की मांग करते हैं, रुपए न मिलने पर उन्हें रेफर कर दिया जाता है। आरोप लगाया कि महिला अस्पताल सीएमएस और डॉक्टर मरीजों को शुक्लागंज स्थित निजी अस्पतालों में रेफर करते हैं, इसके लिए सरकारी एम्बुलेंस का भी प्रयोग करते हैं। ऐसे में महिला अस्पताल सीएमएस के इस बर्ताव का खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। 23 सितम्बर को पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी गौरांग राठी से अस्पताल में फैली अनियमितताओं की शिकायत की थी। 24 सितंबर को संगठन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया था और सीएमओ डॉक्टर सत्यप्रकाश ज्ञापन दिया था। सीएमओ ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने के आश्वासन दिए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इससे परेशान होकर संगठन द्वारा 30 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। ऐसे में संगठन ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने तक धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।